है, उनसे हम बात करते हैं। शकुंतला जी, सबसे पहले तो फर्स्ट इंडिया की तरफ से बधाई आपको। धन्यवाद, मेरे सभी मीडिया कर्मी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार करती हूँ व्यक्त में आपका, कि मेरे को लग रहा है कि आपकी सबकी भावना भी मेरे साथ ज्यादा है, मुझे जो महसूस हुआ है, और आपकी न्यूज के जरिए ही मुझे जो पता चला एकदम, तो बहुत अच्छी बात है। आप भी धन्यवाद के पात्र। मैडम, जैसे आपने कहा कि कांटों भरा ताज मिला है, इस ताज को कैसे संभालेंगे, कैसे चुनौतियों का सामना करेंगे? क्योंकि कार्य जो होता है, जिम्मेदारी जो बहुत बड़ी होती है, और जिम्मेदारी को निभाना उससे भी बड़ा मुश्किल काम होता है, तो उन मुश्किलों को आसान करना ये मेरा उद्देश्य रहेगा, और मुख्यमंत्री महोदय का जो टारगेट है उसे पूरा करने का भी मेरा उद्देश्य रहेगा, और अच्छे से अच्छा हम राजस्थान में कुछ आयाम स्थापित करेंगे। आप चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा निवेश यहाँ पे आए, अगले साल एक समिट भी होना है, मुख्यमंत्री का खुद का सपना है कि राजस्थान निवेश में देश में सबसे आगे हो। बिल्कुल, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का ये एक सपना और टारगेट और उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा निवेश राजस्थान में हो, और निवेश के लिए जो भी राजस्थान सरकार उनको बेनिफिट दे सकती है, कंपनियों को, बाहर की कंपनियां जो भी आएंगी उन्हें जितना फ़ायदा दे सकते हैं हम देंगे, क्योंकि हमारे राजस्थान के युवा के हित में होगा, राजस्थान के विकास के हित में होगा, तो वो सारे काम करेंगे। पहली बार कोई महिला है वो उद्योग मंत्री बनी है, तो कैसा लग रहा है आपको? ये मेरे पे जो विश्वास जता है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, मैं उनकी जो आशा है, उम्मीद है, उस पर खरा उतरूंगी, और महिला मेरे हिसाब से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। आपने देखा कि भारत देश की प्रधानमंत्री महिला रही तो कितना सक्सेसफुल रही, और आयरन लेडी जो कि लोग उदाहरण देते हैं, और आज जो दूसरी पार्टी के लोग हैं अपने आप की तुलना करते हैं लेकिन कर नहीं पाते, ऐसा इतिहास रचा जो कि आज तक किसी ने रचा नहीं है, और मुझे लगता नहीं है कि कोई इनमें से तो रचने वाला है। तो प्रदेश की नई उद्योग मंत्री है शकुंतला रावत, जिन्होंने बताया कि क्या उनके लक्ष्य और किस तरह प्रदेश में निवेश को बढ़ाना है। कैमरामैन विनोद के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।